श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल आप सभी को स्वस्थ रखे, मंगलमय में रखे। और लड्डू गोपाल को दूध की चीज़ें बहुत पसंद है, तो उसमें से मैंने प्योर छेनी का रसगुल्ला बनाया है लड्डू गोपाल के लिए। और आपको मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ कि ये रसगुल्ला कितना एयर बबल्स वाला बना है कि अपने शेप में वापस ही आ जा रहा है। मैंने इसे दम लगा कर प्रेस किया था, तो देखिए सुपर सॉफ्ट फ्लफी और खाने में मुंह में कब घुल जाता है पता ही नहीं चलता है कि आपने रसगुल्ला खाया भी है या नहीं। तो यहाँ पर हम दूध को सबसे पहले फाड़ लेंगे। 1 किलो दूध को हमने नींबू से फाड़ लिया था, तो देख सकते हो 250 ग्राम के करीब हमें यहाँ पर छेना मिल जाता है। तो इस तरह से एक बर्तन लेंगे, साफ़ सुथरा बिल्कुल कपड़ा लेंगे, एक कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हो। और इस तरह से हम इसके पानी को ड्रेन आउट कर लेंगे छेने का। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा नमी रहना चाहिए और ज़्यादा कुक छेने को नहीं करना है, नहीं तो हार्ड हो जाएगा, इसका भी ट्रिक है। तो हम इसे हल्का सा ही, हमने जैसे ही फट गया था हमने इसे बंद कर लिया था गैस को, और हल्का ठंडा करके इस तरह से स्क्वीज कर रहे हैं हम। एक्स्ट्रा वाटर को निकाल लेना है, कहीं कोई प्रेस नहीं करना है, बस थोड़ा वाटर निकल जाए। हमें थोड़ा नमी वाली चाहिए छेना, ताकि हमारा जो रसगुल्ला है उसका शेक मिल सके उसे और हार्डनेस ना हो उसके अंदर। तो मैं आपको खोलकर दिखा रही हूँ, देखिए हमारा छेना इस तरह से निकल गया 250 ग्राम के करीब। अब एक थाली में देख सकते हो कितना रफ है अभी। तो इस तरह से हम इसे स्मूथ पेस्ट बनाते रहेंगे लगातार, आधे घंटे तक हमने इसकी मसाज की है। तो देखिए बिल्कुल मैदे जैसा इसका स्ट्रक्चर हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि ये छेना है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है एक मैदे के डो में। तो इस तरह से स्मूथ पेस्ट इसका बन जाना चाहिए, ताकि हमारा जो रसगुल्ला है मिठाई सुपर सॉफ्ट हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसे कितना इसकी मिजाई की है। तो अब हम गोली बनाएंगे, छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, क्योंकि हमें कुछ मंदिर में भोग देना है और कुछ घर के मंदिर के लिए बनाना है, तो इसीलिए हम थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं। आप चाहो तो थोड़ा बड़ा बड़ा बना सकते हो। तो इस तरह से हम लगातार बनाते रहेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी, और दूसरी मैं कौन सी रेसिपी लेके आऊं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैं देख सकते हो पहले आप ताकत से थोड़ा सा दबा दबा कर इसे थोड़ा सा गोली को शेप देने के लिए, ताकि जिसमें दरार वगैरह जो है वो थोड़ा सा भर जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ को रिलीज़ कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके इसे इस तरह से गोली का शेप दीजिए, तो आपका परफेक्ट रसगुल्ला बनेगा, कहीं से भी कोई दरार नहीं होगा और परफेक्टली आपका स्मूथ एक गोली बन जाएगा। मगर ये हमने यहाँ प्योर छीना लिया है, तो थोड़ा सा ये फटेगा ही, अगर इसमें मैदा सूजी डालते तो ये बिल्कुल नहीं फटता और स्मूथ पेस्ट बनता। तो देखिए हमने सारे गोलियाँ यहाँ पर बना लिया है। अब हम एक थोड़ा सा चीनी लेंगे और एक कटोरी के करीब चीनी लेंगे। यहाँ पर हमने 2 चम्मच के करीब चीनी लिया है बड़े चम्मच से। पहले हम रसगुल्ला को जिसमें हम बॉइल करेंगे वो पानी लेंगे, तो यहाँ पर हमने करीब 3 कटोरी करीब पानी लिया है और 2 बड़े चम्मच के करीब हमने चीनी लिया है। और हम दूसरे बर्तन में 1 कटोरी चीनी लिया है और इसी कटोरी से हम पानी भी लेंगे। ये चाशनी बनेगा हमारा, कोई तारवार नहीं बनाएंगे, बस एक मीठी चाशनी हम तैयार करेंगे। तो लीजिए हम जिसमें रसगुल्ला उबालने वाले हैं वो गर्म हो रहा है और चाशनी भी गर्म हो रही है, दोनों हमने गैस पे चढ़ा लिया है आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपका जल्दी जल्दी बन भी जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो अब हम गोलियां छोड़ेंगे क्योंकि ये हल्का गर्म हो चुका है। स्टार्टिंग में आप ऐसा ही करें, क्योंकि हम प्योर छेने का बना रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का गर्म रहे तभी आप डाल दो, नहीं अगर ज़्यादा खोलता रहे अगर आप डाल दोगे तो छेना आपका फ्लैट हो जाएगा, ये गोलियाँ नहीं दिखेंगी और ये अपने शेप से हट जाएंगी। तो इस तरह से आप हल्का हल्का दीजिए, जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा आप गैस के फ्लेम को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हाई पे रख दिया था, तो ये अपने शेप से थोड़ा फूल गए हैं आप देख सकते हो। तो ये प्योर छेने का निशानी है। और यहाँ हमारा चाशनी भी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई तार वार नहीं बना है, बस एक परफेक्ट चाशनी हमारी बन गई है।
तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और उबाल लाने के बाद अब हम इसे गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। हमारा रसगुल्ला भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, आपको मैं दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ये दरार आएगा क्योंकि हमने प्योर छेने से बनाया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये होगा, ये नेचुरल है। तो इस तरह से मैं इसे निकाल कर, हमारा चाशनी थोड़ा ठंडा हो गया था तो इस तरह से मैं इसमें से निकाल कर चाशनी में डाल रही हूँ। और करीब 6 घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दो ताकि रसगुल्ला अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब कर सके, मीठा हो जाए, तो इसका पूरा ध्यान रखें। तो लीजिए हमारा पूरा रसगुल्ला अच्छे से हम इसे रख देंगे 6 घंटे के लिए। तो 6 घंटे के बाद देखिए थोड़ा रसगुल्ला फूल गया है, चाशनी भी अच्छे से मिल गई है। तो फिर टेस्ट भी आप सभी को अच्छे से रखें। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई चैनल। और रसगुल्ले की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।